हेलो, सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या हाल चाल, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन? मेरी बहन हसीना बेगम बात कर रही है ना आप? जी सर, आप कौन? मेरी बहन थाना सदर से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद जफर खान। जी सर, इंस्पेक्टर। जी सर, मेरी बहन आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, मेरी बहन उसकी एज कितनी है? 17 साल है। बिल्कुल मेरी बहन, वो इस वक्त कहाँ पे है मोहम्मद सलमान? सर खैरियत है। मेरी बहन आपके बेटे को अरेस्ट किया मैंने। क्यों? मेरी बहन ज़रा सेपरेट होकर मेरी बात सुन रहे हैं आप, मैं आपको मामला डिटेल के साथ समझा देता हूँ। मेरी बहन है, मोहतरम है, काबिल इज्जत है। सब खैरियत तो है ना सर, क्या हुआ? जी वही कह रहा हूँ, मेरी बहन पहले मुझे ये बताएं, इसके आपके हस्बैंड का क्या नाम है, कहाँ है वो इस वक्त? शहीद हो गए। वो शहीद हो गए, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन जज़ाक अल्लाह। मेरी बहन बात इस तरह है, ये जिस अपने दोस्त के साथ मेरी बहन आया ना, ये जी उसके दोस्त पर FIR थी 365 हुआ की, ये उसके साथ आकर इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया है। अभी बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था। सर आपकी मेहरबानी सर, मैं तो यतीम हूँ, आपकी मेहरबानी सर मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन सर आया किसके साथ है, आप उस बंदे का नाम बताएंगे मुझे? मेरी बहन उसको हवालात में बंद कर दिया मैंने, इसके दोस्त को। अच्छा, लेकिन मेरा बच्चा तो इस मामले में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो स्टूडेंट है। मेरी बहन मुझे पता स्टूडेंट है, बहुत शरीफ लड़का है ये, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। अगर मेरी बहन इस पर FIR कट गई, इसका सारा करियर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना ऐसी कुछ कीजिएगा। मेरे शहीद का बच्चा है, उसकी करियर खराब हो जाएगा आपके। सर क्या कर रहे हैं, नहीं करें प्लीज सर, रमजान का महीना है, रहम करें सर। रहम हो जाएगा, इसको रिलीज करवाना है आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहन थी 2 दिन शरायत, उन पर आपको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप बताएं मुझे, पहली बात ये ना आपने मेरे पास किसी को भेजना है, ना ही किसी का फोन या सिफारिश करवानी है। मेरी बहन मेरी भी नौकरी का इशू है, वर्दी का इशू है, महकमे के हालात बड़े बहुत बहुत चल रहे हैं, आपको पता खतरनाक है महकमे के हालात, क्योंकि बहुत सख्त हुई है आजकल। दूसरी बात ये है, मीडिया वाले भी आपके बेटे का पूछ रहे हैं, सचो साहब भी आपके बेटे डिमांड कर रहे हैं, बेटे की पिस्टल मंगवा रहे हैं मुझसे, ठीक है। मैंने उनको भी बताया नहीं कि लड़का मेरे पास, उसने बोला सर भाग गया लड़का वो। अच्छा मेरी बहन लास्ट बात यह, मुझे कलमा पढ़कर वादा करें इस बात का कि जो बात हम दोनों को दरमियान उसमें तीसरा अल्लाह ताला गवाह होगा। बिल्कुल कलमा पढ़े आप भी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहन आपने आपको बहन बोला है, मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा। सर मेरे हाथ में जानेमाज है और अभी मैंने नमाज अदा की, रोजे की हालत में हूँ। मेरी बहन रोजे की हालत में बड़ा कोई सबूत होगा? सुन लें जी, मैं ये कह रहा हूँ कलमा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी टॉपिक पर भी। सर आपको पता है सर, मीडिया के सामने हमारा जोर नहीं चल सकता है। अभी मामले को मैं क्लोज कर सकता हूँ, मामले को इसको रिलीज कर सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, वक्त हाजिर, वक्त हाजिर, इस जमीन पे जानेमाज हाथ में मोबाइल हाथ में लिए हुए खड़ी हुई हूँ, एक शहीद की बेवा हूँ और उस शहीद की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान रहेगी, किसी को किसी किस्म का कुछ पता नहीं चलेगा। ओके हो गया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा मैं आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, आपको जान से भी निकाल देता हूँ। मेरी बहन 2 लाख रुपए का बाखुदा काम नहीं है। फिर मैंने आपकी आपको बतौर बहन बोला है, आपको बहन होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मैं भी 2 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी बहन बात सुने, इस तरह मामला नहीं, आपको पता कुछ ले दे के बगैर मामला हल नहीं होते हैं, कानून को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद मामला रिलीज होता है, क्लोज होता है मामला। तो सर आपको फिर इतनी बड़ी कसम उठवाने की मुझसे जरूरत थी? मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊँ सर? सुन ले मेरी बहन बात सुने, आपके पास अभी मौजूद कितने हैं? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, महीने का एंड है, हम लोग तो खुद उस पे फाकों पे बैठे हुए, सरली आए तो हम लोग कुछ खा लें। सर क्या हो गया आपको, खुदा का खौफ करें। मेरी बहन बात सुने, फिर आप क्या रहते हैं, फाइनली बात करें क्या रहते हैं आप? सर मेरे पास 1 रुपया घर में नहीं है, अभी सरली आई नहीं है, मैं कहाँ से आपको दूंगी? क्या कर रहे हो सर आप? चले कब देंगे आप, मुझसे वादा कर रहे हैं, आपने मुझसे जुबान की है ना, कब देंगे? मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, कब देती हैं आप मुझे, कब देंगे? अभी आप मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ कहीं निकलूंगी, किसी से कोई बात करूंगी, कहीं से कुछ लेकर आऊंगी। सर क्या कर रहे हैं, मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है कि मैं लाकर आपको दूं और अपने बच्चे को निकालूं यहाँ से। चलो ठीक है मेरी बहन, इसको ना रिलीज कर देता हूँ अल्लाह के वास्ते, ठीक है। मेरी बहन जब आपकी सैलरी आएगी ना जी, तो मेरी बहन कल आप मुझे पे कर देंगी? सर मैं आपको सैलरी पे कर दूंगी तो मैं बच्चों को रोजा कहाँ से रखवाऊंगी, उनको इफ्तार कहाँ से करवाऊंगी, आप मुझे ये बताओ। चलो ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, मेरे दिल को कुछ होने लग गया है। सर अल्लाह का वास्ता है आपको, सर मेरे बच्चे को अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, उससे बड़ा वास्ता कोई नहीं है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, चलो यार इसको छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बेटा नजर नहीं आना, बेटा आपके वालिद बहुत हुए हैं, नेक्स्ट टाइम नजर नहीं आना बेटा।
सर आपका बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्लाह अल्लाह आपको जजाए खैर दे, अल्लाह ताला आपका मकाम बुलंद करे, अल्लाह बहुत इज्जत दे आपको। आमीन आमीन आमीन। मेरे बच्चे को भेज दें खैरियत से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी सर। जी सर, आपने मेरे बच्चे के बारे में मुझे बताया था कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। जी मेरी बहन, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया था उस टाइम में। आप मेरे बच्चे का हुलिया बताएंगे, उसने उस टाइम क्या हुलिया किया हुआ था? मेरी बहन बात सुने, मेरा भाई है, मेरी बहन, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, मैं आपकी फेवर की है मेरी बहन। अभी मैं उस मामले में ना, मुझे फैसल मची हुई है मुझे उस मामले में, सर मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने यही नहीं बोला कि सर लड़का मैंने भगा दिया, मेरी बहन मेरी वर्दी का रिस्क बना हुआ है, मैंने आपकी हेल्प की, आपकी फेवर की। तो आप किस तरह मेरी हेल्प और मेरी फेवर कर रहे हैं? मेरा बच्चा किस, आपने मेरे बच्चे को पकड़ा नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई FIR की कोई किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, मेरे बच्चे ने आपकी मिन्नत नहीं की, मेरा बच्चा आपके पास मौजूद नहीं था। आप मेरे नंबर पे मुझसे मेरी सारी डिटेल लेकर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दें। मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा बच्चा कसमें खा रहा है कि अम्मी जानी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा कर सीधा घर पर आ रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। वो इस चीज की गवाही दे रहा है कि अम्मी मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। आप फिर किस तरीके से कह रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे को पकड़ा, मुझसे 2 लाख रुपया आपने मांगा, आपने थोड़ी देर में मेरे पे कितनी परेशानी गुजार दी। मैं अभी ये सारी रिकॉर्डिंग श्रोता ग्रुप में चलाऊंगी और ये डायरेक्ट जो है ना IG ऑफिस जाएगी और IG साहब खुद ये सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके ऊपर एक्शन होगा। कॉल करने से पहले, पकड़ने से पहले सोच समझ के किसी के ऊपर हाथ डालें। नाम ना बताएं अगर आपके नाम से, क्योंकि कुछ ऐप्स है उसके अंदर जब आपके नंबर एंटर करके तो नाम आ जाता है सिम किसके नाम पर है। तो दूसरी बात है कि उससे आप कन्फर्म करें कि आपका बेटा बेटी जो भी हो तो उसके कपड़े वगैरह किस कलर के हैं या उसका पूरा नाम। तो यानी कभी भी इस चीज़ तरह फेक कॉल्स के ऊपर आप घबराएं मत, आप होशावाश में रहा करें, टेंशन मत लिया करें, और जो भी आपके साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आप कंप्लेन कर लें। हेल्पलाइन के ऊपर आप वहाँ बता दें कि इस नंबर से हमें कॉल आई है और ये सिस्टम है। तो और कोशिश किया करें कि इस तरह ऐप्स वगैरह अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसके अंदर होती है, तो जो भी होती है कन्वर्सेशन तो उसको आप पुलिस स्टेशन के अंदर जमा करें, जो भी वहाँ पर होगा मुतलिका ICO साहब तो उनको आप हैंड ओवर कर दीजिए ताकि उसके ऊपर प्रॉपर वो तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी इस तरह अनासर होंगे, बदकिरदार लोग होंगे, बेगैरत किस्म के लोग होंगे जो इस तरह के हमारे पाकिस्तानी इज्जतदार लोगों को तंग करते और उनसे पैसे बटोर दे ताकि वो इबरत का निशाना बन सके। तो दोस्तों कोशिश किया करें किस तरह वीडियोज़ को आप प्लीज़ अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरी इससे हमारी इंशाल्लाह हौसला अफजाई होगी और बिल का निशान भी दबाए ऑल के ऊपर ताकि मजीद न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।